अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी रेसिपी में कीवे का समोसा। समोसे पट्टी का यूज़ करेंगे और उसी से हम बनाएंगे कीवे का समोसा। कैसे बनेगा वो अब हम अपनी रेसिपी में आपको दिखाएंगे। एक को गर्म कर लेंगे और उसमें 5 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम चॉप कटे हुए ऑनियंस यानी प्याज डाल देंगे और उसे 5 मिनट तक लाइट ब्राउन करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें हम कीमा डालेंगे, 250 ग्राम कीमा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको पकाने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम कीमे को पकाएंगे अच्छे से, उसका पानी जो है सूख जाएगा। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 मिर्ची का पेस्ट डालेंगे पिसे हुए, तो उसे फिर 2 टेबल स्पून चिली फ्लैक्स डालेंगे, 1 टी स्पून जो गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद कोरिएंडर लीव्स में ऐड कर देंगे और आप 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पानी इसका सूख जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा कटी हुई प्याज और ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के पकाने के बाद इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने का वेट करेंगे और रेडीमेड समोसा पट्टी का यूज़ करेंगे। इसमें 25 पट्टीज होती है समोसे की, हमें जितनी यूज़ हमें जितना लेना होगा उतना ही हम यूज़ करेंगे जितने समोसे हमें बनाने होंगे। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून फ्लोर लेंगे, उसमें पानी का डाल के एक अच्छा सा घोल बना लेंगे समोसे स्टफिंग को क्लोज करने के लिए, फिल करने के लिए। उसके बाद हम समोसे की पट्टी को लेंगे और उसे कैसे समोसा बनाएंगे, पहले हम तिकोड़ा करके उसको फोल्ड करेंगे एक साइड से और उसे उंगलियों से दबाएंगे। दबाने के बाद दूसरे साइड से प्रेस करेंगे और उसे अच्छी तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद अब उसमें हमने जो कीमा तैयार किया है उसे 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे, स्टफिंग समोसे पट्टी में डालेंगे जो हमने समोसे बनाए हैं। उसके बाद इसे हम प्रेस करेंगे और फिलिंग को क्लोज करेंगे। अब इसमें हम जो घोल बनाए हुए हैं आटे का उसको लगाएंगे, चारों तरफ से लगाने के बाद इसे हम पैक कर देंगे, आराम से लगा देंगे चारों तरफ से। और इसे क्या करेंगे कि अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको सील कर दिया हमने अच्छे से। अब ये ट्रायंगल शेप में समोसा हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे समोसों को तैयार करेंगे। सब सारे समोसों को तैयार करने के बाद उसे फिल करने के बाद अच्छे से फिर से हम फ्राई करेंगे। हमारे सारे समोसे जो है हम फिल कर रहे हैं, सही आराम आराम से हमको बनाने हैं, बहुत ही आराम से इसे हम करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल समोसा तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे समोसों को बना लेंगे। ये हमारा जो सारा समोसा ट्रायंगल शेप में रेडी हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे, ऑयल को हम मीडियम टू लो पे रखेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें समोसा डालेंगे, एक एक करके समोसे को डालेंगे। समोसे को डालेंगे और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये समोसा हमें डीप फ्राई करना है, और मीडियम हीट पर। और ये कैसे हमें मतलब अंटिल क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, जो अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए, जो खाने में कुरकुरे हो, अच्छे हो। इसी तरह हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद देखिए यहाँ हमारा समोसा जो है अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो गया, फ्राई हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा समोसा जो है ट्रायंगल शेप में कीवे का समोसा रेडी हो गया है। अब इसमें जो और समोसे हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल हम मीडियम ही रखेंगे, हाई हीट नहीं रहेगी, मीडियम लो हीट पे ही हम
हम समोसों को पकाएंगे अच्छे से। सारे समोसों को हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारा समोसा रेडी हो गया है। समोसे के साथ हम हरी चटनी, समोसे के साथ हमने ग्रीन चटनी यूज़ की है। देखिए हमारा समोसा क्रिस्पी एंड गोल्डन कितना अच्छा लग रहा है ट्रायंगल शेप में समोसा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।